Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. Like to ask, please, you can contact us through WhatsApp number, which is 848-247-9911. Acha didi, agar aap tayyar ho to hum baat karna shuru kare. Ji haan, bilkul, main to tayyar hoon. Haan, ye baat sahi hai. Jab bhi vastu ki baat aati hai, Rewa ji is always ready to talk about it. Any time of the day, jab bhi koi bhi samay ho, aap hamesha tayyar rehte ho vastu ki talk karne ke liye. ऑफ कोर्स संजीव, अब तो इतना हो चुका है बिकॉज आई हैव गिवन 37 इयर्स ऑफ माय लाइफ टू वास्तु. और कई बार तो ऐसा होता है कि मैं जब भी कहीं बाहर विजिट करती हूँ, चाहे किसी रेस्टोरेंट पे फैमिली के साथ में या किसी फ्रेंड्स के यहाँ पे भी कभी चले जाते हैं, तो मेरा सबसे पहले यही ध्यान जाता है कि कौन सी डायरेक्शन है, कहाँ पर है, कैसे है. मैं ये जरूरी नहीं है कि एवरीबडी बिलीव्स, टू बी वेरी फ्रेंक. And I don't want to just like कि हर किसी को मैं believe कर रहा हूँ. Yes, of course, I want to make awareness. Everybody should aware about that. What is vastu? What are the defects? How it affects? And how we can rectify? Yes. लेकिन ये इतना ज़्यादा मेरे अंदर हो चुका है कि मेरे automatically मेरे हाथ अपने आप ही मेरे compass पे चले जाएंगे. फोन के ऊपर मैं I will find out कि कौन सी direction है. वो बिजनेस ग्रो कर रहा है, नहीं ग्रो कर रहा, क्या रीजन है. तो ये आदत हो चुका है जी, बिल्कुल. ये हाँ, ऑब्वियसली पैशन तो है ही आपकी, और आपका नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, एंड साथ में यू नो यू टेक प्राइड इन हेल्पिंग आउट इंडिविजुअल्स. आपको एक मतलब अच्छी फीलिंग महसूस होती है कि किसी को मैंने सही रास्ता दिखाया. किसी का अगर बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो वो सेट किया, अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो या तो करियर में प्रॉब्लम हो, हेल्थ की प्रॉब्लम हो, कहीं ना कहीं पे आपने किसी को एक रास्ता दिखाया, एक समझ दी. दीदी, आज के जमाने में देखो कई लोग ऐसे हैं जो शायद वास्तु में इतना विश्वास नहीं रखते, मानते नहीं, और कितने लोगों को आप समझाओगे, ठीक है. लेकिन अगर किसी को थोड़ा सा इंटरेस्ट आया हो और उसके बारे में ज्यादा जानना चाहता हो, वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए या तो यू नो प्रोफेशनल बेनिफिट के लिए, तो आप उनको कैसे समझाओगे कि भाई आपको थोड़ा पता है लेकिन इसमें थोड़ा और फेथ रखो तो यू विल बी ओके, कैसे समझाओगे. Of course, बिल्कुल संक्षेप, क्योंकि directions, as usual, I always say, directions are very important. बिना directions के तो आप life के बीच चल ही नहीं सकते, हम move ही नहीं कर सकते हैं. मैं बहुत simple way में बताती हूँ कि आप गाड़ी drive करते हैं, उसके लिए आपको air की भी जरूरत है, water की भी जरूरत है, engine है, उसकी fire की भी, हर चीज की जरूरत है. जी. जब आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अगर आपको सही डायरेक्शन नहीं पता होगी तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं सकेंगे. आप उस जगह पे नहीं पहुंच सकेंगे. तो वास्तु एक क्या है, आपकी ड्राइव को आपको आपकी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए एक जीपीएस की तरह हेल्प करता है, एक स्मूथ रोड की तरह वो आपके साथ चलता है कि आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आए और आप अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स में करें. अब उसको अचीव करने के लिए, चाहे वो पैसे से जुड़ा हो सवाल हमारी लाइफ का, बिजनेस है, करियर है, हेल्थ है, वेल्थ है, सब कुछ है. मैं जैसे कि अभी कुछ 3-4 दिन से, आई वाज फ्रॉम संडे व्हेन आई केम टू नो दैट अ यंग गाय सुशांत राजपूत कमिटेड सुसाइड. अब देखा जाए, मैं बहुत गहराई से उस चीज को देखने की कोशिश कर रही थी. एक यंग लड़का 34 ईयर्स का, What's the reason behind it? उसका रीजन क्या है, क्या कारण है उसका.
क्यों उसके दिमाग में इतना अच्छा, इतना सक्सेस होने के बावजूद में भी, और क्यों उसने अपने लाइफ के बीच में एक बहुत गलत स्टेप उठाया कि जिसको मैं कभी भी, मैं क्या, nobody in the world, क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ जीवन है। अगर उसने दिया है तो संजीव लेने का भी उसको हक है। Who we are, हमारे को कोई पावर नहीं है कि हम उसकी दी हुई चीज के साथ में ये स्टेप उठाएं। मानते हैं डिप्रेशन है, मानते हैं स्ट्रेस है, आज का वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है और हमारे साथ में लाइफ में कई बार इश्यूज आते हैं, लेकिन वन हैज टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज, वन हैज टू फाइट विद देम। कभी भी अपने आप को टूटने मत दीजिए। मेरी जिंदगी का ये तजुर्बा हमेशा कहता है कि अगर कहीं पे भी आप सोचते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, डिप्रेशन में है, थक चुके हैं, दोस्तों इतना याद रखना लिसनर्स कि अगेन वी कैन फाइट। और सबसे अच्छी जगह है अगर आप अपने भगवान के आगे बैठकर खूब रो लीजिए, खूब उनसे झगड़ा कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन याद रखिए वही आपकी सुन रहा है और वही आपको जरूर से जरूर रास्ता दिखाएंगे। तो डायरेक्शंस बहुत जरूरी है। अब आ जाता है जी, बताइए दीदी। मैं ये कहता हूँ कि जो ये आपने ओपनिंग में जो बात करी है, इस बात में सच्चाई भी है और इस बात में एक आपकी तरफ से कमिटमेंट भी है, बिकॉज यू नो आप खुद उस दौर से गुजर चुके हो कुछ सालों पहले। जी बिल्कुल, हर जिंदगी में भगवान के भी कहते हैं ना कि हर दौर में सबके आता है, और मैंने भी अपनी जिंदगी में कई बार स्ट्रेस देखा, डिप्रेशन देखा, सब कुछ देखा है, लेकिन मैं अगर हिम्मत छोड़ने की कभी भी नहीं सोचती, बिकॉज वी हैव टू, हमें ये सोचना है कि हमारे को उसने जो दिया उसने अच्छा समझा वही दिया। किसी ने बहुत अच्छा कहा है संजीव कि जो हमने चाहा वो हमें मिला नहीं, लेकिन जो उसने चाहा वो उसने सब कुछ दिया। तो आप इस चीज को सोच के चलिए कि वो जो कर रहा है वो हमारे फायदे के लिए, हमारे हर चीज के लिए, अच्छे के लिए कर रहा है। हो सकता है टेम्परेरी टाइम भी हमारे को लगे कि नहीं ऐसा नहीं कि हम भगवान को दोषी करें, लेकिन जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, इफ यू आर पासिंग थ्रू फ्रॉम एनी डिप्रेशन, एनी स्ट्रेस, जस्ट गिव मी अ कॉल। माय नंबर इज वेरी सिंपल, 5108683338। आई विल ट्राई माय बेस्ट। यस, ट्राई टू शेयर, ट्राई टू ओपन योरसेल्फ, ट्राई टू ओपन योरसेल्फ विद योर फैमिली, ट्राई टू ओपन योरसेल्फ विद योर फ्रेंड्स, ट्राई टू ओपन योरसेल्फ With me too. I'm always there to take care. आप लोग सब हमारा परिवार है, जिसे हमेशा कहती हूँ वासुदेव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार है। तो अगर कहीं डिप्रेशन स्ट्रेस किसी को भी इस समय है तो याद रखिए उसका रास्ता हमारे पास है। उसका रास्ता ये कहीं नहीं है कि आप अपने आप को खत्म करें, क्योंकि अगर आप अपने आप को खत्म कर रहे हैं तो याद रखिए अपने साथ आप अपने जुड़े हुए हर इंसान को खत्म करके जा रहे हैं, खासकर उन बूढ़े माँ बाप को जिन्होंने आपको जन्म दिया है। अगर उन्होंने जन्म दिया है तो व्यूअर्स आपको कोई हक नहीं है अपनी जान लेने की। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू कन्वे टुडे। जी बिल्कुल दीदी, ये हार्ट टचिंग बात करने के लिए, एक विश्वास दिलाने के लिए, एक इंस्पिरेशन यू नो हम सब में जगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है कि जितने भी हमारे लिसनर्स या व्यूअर्स हो, अगर किसी एक की जिंदगी में भी इससे फर्क आ जाए तो हमें ऐसा लगेगा कि भाई हमारा काम जो है वो बिल्कुल सही हुआ है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि मेंटल हेल्थ को, नेगेटिविटी अपने जीवन में न लाने के लिए, जहां पे भी आप रहते हो उस घर में एक सुकून, एक शांति होना जरूरी है। एंड दैट्स वेयर directions make a difference. North, south, east, west, it really makes a difference. तो मैं चाहता हूँ कि last week हमने north को लेके थोड़ी बात शुरू करी थी, अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं या वहीं से फिर से शुरू करते हैं and धीरे 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 हमारे listeners को, viewers को समझाते हैं कि why directions are important and why we should really follow them. Of course, बिल्कुल संजीव, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग, जैसे कि वास्तु के हिसाब से नॉर्थ फेसिंग, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर को हम एक बहुत ही ऑस्पिशियस मानते हैं, क्योंकि वो काफी बेनिफिशियल होता है। लेकिन आप सिर्फ ये मत देखिए व्यूअर्स कि हमने नॉर्थ फेसिंग घर ले लिया तो दैट्स ओके, नो, वी हैव टू सी कि अगर हमारा नॉर्थ है, क्या हमारा लॉट, क्या हमारा घर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर है कि नहीं है। अलोंग विद दैट
वॉट अबाउट द प्लेसमेंट्स ऑफ अदर रूम्स, जो हमारे बाकी रूम्स हैं क्या वो सही डायरेक्शन पर है कि नहीं है, क्योंकि अगर नॉर्थ हमारा फेसिंग होगा और साउथ में अगर हमारे पास में कहीं पे ही स्विमिंग पूल आ जाए, या साउथ हमारा लोअर हो जाए, साउथ में कहीं क्रीक कोई जा रही है, साउथ में अगर कहीं पे साउथ वेस्ट में कहीं पे टॉयलेट आ जाए, बाथरूम आ जाए, किचन आ जाए, तो वही नॉर्थ फेसिंग कर हमारे को नुकसान देता है। आपको यहाँ याद रखें कि नॉर्थ से हमारी एनर्जी को ट्रेवल साउथ हमारा हाइट पे होना चाहिए, क्योंकि अगर आप हाइट पे जा रहे हैं तो आपको नॉर्थ से पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी जो मिलती है वही आपको ग्रो करने में हेल्प करती है। जहां जहां पे रिसेंटली मेरी अपनी ही एक फैमिली में बहुत ही क्लोज एक केस हुआ है, एंड ड्यू टू लॉकडाउन हम लोग वहां नहीं पहुंच पाए, बहुत ही क्लोज मेरी फैमिली में, और यंग डेथ हुई है। आप यंग भी कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं, नो यंग भी नहीं मैं कहूंगी, ठीक ही थी, मतलब कि 60s के बीच में आप ले सकते हैं, उनकी डेथ हुई है। एंड व्हेन आई वाज टॉकिंग टू देम, बात करते तो मेरा एक पहले ही सवाल हुआ था कि क्या कहते हैं, नहीं हमारा तो घर पूरा वास्तु पे है, नॉर्थ फेसिंग घर है, लेकिन आई जस्ट सिंपली आस्क कि आपका साउथ वेस्ट में क्या है, दे सेड कि साउथ वेस्ट में स्विमिंग पूल है। इमीडिएटली मैंने देखा, उन्होंने मुझसे फेस टाइम किया। अब स्विमिंग पूल जब हमारा साउथ वेस्ट में आ जाएगा, वो घर के हेड ऑफ द फैमिली से रिलेटेड है। इट इज रिलेटेड विद फोर टाइप ऑफ डीज। डीज मींस डी फॉर डिप्रेशन, डी फॉर डेथ, डी फॉर डाउनफॉल, डी फॉर डिजास्टर। आई नेवर रेकमेंड स्विमिंग पूल और बाथरूम एनीवेयर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस। इसको हमेशा याद रखिए, क्योंकि वो आपके घर का जो भी हेड ऑफ द फैमिली होगा, उनको जॉब से जुड़ी प्रॉब्लम लेकर आ जाएगा, उनको सही होते हुए भी कहीं ना कहीं चोट लग जाएगी। उसको मैं कहती हूँ कि दैट इज ए स्नेक लैडर हाउस। जैसे एक सांप की सीढ़ी खेलते हैं, देखा होगा संजीव कि हम लोग सांप की सीढ़ी से खेलते हैं, एकदम हाइट पे जाएंगे नीचे गिर जाएगा। तो नॉर्थ फेसिंग घर में अगर हमारा साउथ साउथ वेस्ट में कहीं वाटर एलिमेंट होगा, तो वो घर आपको पहले 3 साल तो व्यूअर्स बहुत पैसा देगा, लेकिन आफ्टर 2 or 3 years इमीडिएटली वो घर का जो भी हेड ऑफ द फैमिली होगा, मेल फिगर होंगे, कोई ऐसा सीरियस इश्यूज लेकर आ जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज रिलेटेड विद 4 type of these, वैसी प्रॉब्लम आती है। मैं मानती हूँ कि हम लोग इस कंट्री में ही नहीं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड आजकल हर किसी को एक लग्जरी लाइफ के साथ में जरूरत है। फ्लोरिडा में बहुत क्लाइंट्स हैं जहां पे नेचुरली स्विमिंग पूल उन्हें जरूर चाहिए, पर साउथ साउथ वेस्ट में नहीं। और किसी कारणवश अगर वहां पर है तो उसकी एनर्जी को शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए, वहां से पर्टिकुलर उस डायरेक्शन से एनर्जी को निकल जाना चाहिए। आप बाईपास सर्जरी कराते हैं, कुछ कराते हैं, तो आपके हार्ट के लिए उस ब्लड को, वेन से ब्लड को फ्लो के दिया जाता है, उसी तरह से अगर हमारा साउथ साउथ वेस्ट में कहीं पे भी वाटर एलिमेंट होगा, तो उसकी एनर्जी को वहां से शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी रेनोवेशन और रीमॉडलिंग। सो ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड कि आपको नॉर्थ आपका बहुत अच्छा है, नॉर्थ में खुला रखिए, नॉर्थ ईस्ट में आप ओपन रखिए, नॉर्थ में आप फाउंटेन रखिए, नॉर्थ में जितनी ज्यादा विंडोज होंगी उतनी एनर्जी आपके घर आएगी। सेकेंडली, नॉर्थ इज द हेड ऑफ द हाउस। अगर वास्तु पुरुषा का देखेंगे तो उनका भी नॉर्थ ईस्ट में सर आता है, तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आपका ओपन होना चाहिए, और जो साउथ साउथ वेस्ट है दैट इज बैंक, वो आपका हैवी होना चाहिए। वहां पर आपकी काफी कह सकते हैं कि वुडन ब्लाइंड्स आप लगाने की कोशिश कीजिए। मानते हैं कि विंटर में कई बार होता है कि हमारे को साउथ साउथ वेस्ट से हमारे को बहुत ज्यादा सनलाइट मिलती है और हम लोगों को विंटर्स में पसंद होता है, लेकिन आप एटलीस्ट आपको 2 बजे 3 बजे के बाद में आप उसको ब्लाइंड्स को बंद करिए, क्योंकि जब हमारा साउथ और वेस्ट की तरफ से आफ्टर 3 PM व्हाटएवर एनर्जी कम्स दैट ब्रिंग्स नेगेटिविटी, जहां पर साउथ साउथ वेस्ट खुला होगा, ओपन होगा, जैसे कि न्यू जर्सी में भी आई स्टिल रिमेम्बर मेरे क्लाइंट्स थे, दे वर हैविंग अ साउथ साउथ वेस्ट वाज टोटली ओपन। अब उसमें क्या था, शाम होते ही एक घर में फियर, एंगर, डिप्रेशन, स्ट्रेस आना शुरू हो जाता था, बेवजह का फियर, क्योंकि वहां की जो एनर्जी है वो आपको एक डर लेकर आती है। अगर हमारा साउथ हमारा ब्लॉक होगा, साउथ में हमारे वहां पे आप कह सकते हैं कि एलिवेशन होगी, तो उसी नेगेटिविटी को हम संजीव खत्म कर सकते हैं।
तो मतलब ये जो बात अभी आपने बताई, अगर उसको मैं समराइज करूं तो नॉर्थ ईस्ट को हो सके तो इतना लाइट रखो, वहीं पे हैवी नहीं रखो, वहीं पे जो एक कहते हैं ना मतलब कंजेस्टेड चीजें मत रखो, उसको लाइट रखो, एंड साउथ वेस्ट को भारी करो ताकि नेगेटिविटी उस डायरेक्शन से कम हो जाएगी, विच विल मेक डिफरेंस इन योर पर्सनल लाइफ। बिल्कुल, ऑफकोर्स आप साइकिल जब बाइक चलाते हैं तो आप अपने बाइक के जो पीछे जगह होती है उस पे आप चीजें रखते हैं, बाइक की कभी राइट या लेफ्ट पे कुछ नहीं आप रख पाएंगे वेट, हमेशा आपकी कोशिश होगी कि आप बाइक के पीछे वेट रखें। द सेम विद दिस इज, आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की तरफ में आप वेट नहीं रखें, जहां आप साउथ साउथ वेस्ट में वेट रखेंगे वही आपको नॉर्थ फेसिंग घर आपको बहुत फायदा देगा। आपको फाइनेंशियली बहुत हेल्प करेगा, आपको पर्सनल रिलेशंस में बहुत हेल्प करेगा, हर तरह के उसको आप डायरेक्शंस देखिए। अगर आज हमारे नए कोई व्यूअर्स नए हैं या पहली बार सुन रहे हैं तो बहुत सिंपल टिप्स मैं दे रही हूँ। नॉर्थ फेसिंग में विंडोज ओपन रखिए, अगर आप वर्क में घर से काम कर रहे हैं नॉर्थ फेसिंग काम कीजिए। नॉर्थ ईस्ट इज वेरी गुड फॉर योर प्रेयर प्लेस, नॉर्थ ईस्ट इज गुड फॉर स्टडी प्लेस, बच्चों के लिए आप नॉर्थ ईस्ट को यूज कर सकते हैं। फॉर किचन साउथ ईस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर किचन, और द सेकेंड ऑप्शन वी कैन गो फॉर नॉर्थ वेस्ट, and for master bedroom south west we always recommend, and my dear always keep it in your mind, never go for toilet and kitchen that is north east and south west। north east or south west mein kabhi bhi kitchen ya bathroom nahi hona chahiye। अगर आपकी बॉडी के सेवन चक्रास है जिनको हम लोग सेवन चक्रास तो यू काउंट करते हैं, तो उसी तरह जब नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट एनर्जी करेगी तो सेवन पॉइंट्स आएंगे। अगर वहां पे टॉयलेट या किचन होगा या सेंटर में भी अगर होगा तो वहां पर हम सब कुछ ड्रेन कर जाएंगे, वहां पर हम लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, हम कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। एनीवे मैं लिसनर्स को और व्यूअर्स को एक बात बता दूं कि राइट नाउ ऑन रेडियो जिंदगी वी आर इन द मिडल ऑफ वास्तु टॉक विद डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु शास्त्र एक्सपर्ट एंड अ कंसल्टेंट ऑफ वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु.com, ये उनकी वेबसाइट है। ओवर 35 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड यू नो and and then all the goodwill that she has established through Vastu and the help that she has given to thousands of individuals around the world, it is just so remarkable। and ye jo abhi baatein batayi north ko leke, northeast ko leke, south ko leke, these are the directions make difference obviously in one's life, because everyone wants peace in their life, they want prosperity, they want name fame, sab kuch unko chahiye hota hai, unke liye mehnat bhi karte hain, don't get me wrong, there are individuals who really work hard, didi itni मेहनत करते होंगे, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हो, यंग कपल हो, जो भी हो, दे वर्क हार्ड। कोई ऐसा नहीं कहता है कि भाई बस मुझे घर में बैठे रहना है और मुझे सब कुछ मिलना चाहिए। बट द पॉइंट इज, आफ्टर वर्किंग सो हार्ड व्हाई आर यू हैविंग सो मेनी प्रॉब्लम्स, व्हाई आरंट यू सक्सेसफुल, क्यों आपके पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं, आपकी हेल्थ क्यों ठीक नहीं है, या आपकी जॉब एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी क्यों बदलती जा रही है, क्या हो रहा है। And that's where दिशाएं जो होती है उनको समझना और उनको फॉलो करना जरूरी होता है। बिल्कुल आपने सही कहा संजीव, और इसके साथ में बीम, ऑलवेज ट्राई कि आप कभी भी बीम के नीचे नहीं बैठे, बीम को अवॉइड कीजिए। जैसे कि अभी स्टार्ट करते ही मैंने आपसे बताया था कि शजा राजपूत के बारे में, मैं उसका एक घर का वीडियो देख रही थी और एंड आई वाज लुकिंग ओवर देयर पर्टिकुलर, वो एक रूम में जहां पर बैठे हुए थे काफी जबरदस्त, वहां पे पूरा स्ट्रॉन्ग जिसको कहते हैं ना कि काफी ग्रेविटेशनल फोर्स वाला काफी हैवी बीम था। एंड इमिजिएटली स्टक इन माई माइंड कि क्यों, क्योंकि बीम एक ऐसी चीज है वो आपको हमेशा एक डिप्रेशन, एक स्ट्रेस, एक नेगेटिविटी में लेकर आती ही है। तो बीम को आप जरूर अवॉइड कीजिए। अगर आप कभी देखिए बीम के नीचे अगर आप कंप्यूटर, कुछ इलेक्ट्रॉनिक भी रखेंगे ना संजीव, कुछ दिनों के बाद वो खराब हो जाएगा। अच्छा, मतलब इतनी वहां की ग्रेविटेशनल उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज एडवाइज कि बीम को आप अवॉइड कीजिए। अगर आप सोचते हैं कि अवॉइड नहीं कर सकते, यू कैन गो फॉर फॉल्स सीलिंग, आप एक फॉल्स सीलिंग बना सकते हैं ताकि बीम को हम कवर कर सके, या अगर आप चाहें तो वी कैन गो फॉर कलर थेरेपी ऑल्सो। ऐसा कहीं नहीं है कि आज के समय में हम आपको ये रेकमेंड करेंगे कि आप इसको तोड़ फाड़ कर दीजिए, डिमोलिश कर दीजिए, नो, वी कैन रेक्टिफाई।
क्योंकि ये नॉर्थ फेसिंग घर से अगर आज हम बात कर रहे हैं, अगर इनके डिफेक्ट्स हैं वो हमारी लाइफ पे रियली इफेक्ट करते हैं। और इफेक्ट क्या करते हैं कि हम फाइनेंशियली डाउन हो जाएंगे, हम लोग बहुत स्ट्रेस में जाना शुरू करेंगे, चलते चलते ही कोई ना कोई लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन उसको रेक्टिफाई करना आज के समय में बहुत आसान है। वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम कलर थेरेपी, फ्रॉम ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड लॉट्स ऑफ वेज विच आई ऑलवेज एडवाइज विदाउट डूइंग रेनोवेशन एंड फ्रेमवर्क। आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे वन जी हाँ जी जी नहीं एक एक बात मैं बोल दू फिर आप अपना मैसेज देना, बिकॉज अभी जो आपने एक बात करी ना and people should know that ki vastu is not about reconstruction aur ye todna hai wo todna hai, because vastu ko leke logo ke dimag mein ek aise impression hai ki agar direction sahi nahi hai to mujhe ye tod phod karne ke liye kahenge, ye kahenge, wo kahenge. To yahan pe ek point main add karna chahta hu ki vastu has come so far in this century, and with a person like you Reva ji who has spent more than 35 years of your life into vastu, and through research and through experiment, you know, there are so many remedies ke negative energy ko bilkul kam karke positive energies create ki ja sakti hai. There is always solution. Look at it this way didi, कि अगर आपकी तबीयत खराब हो, आपको अगर आर्थराइटिस हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, तो उसके लिए आप दवाइयां लेते हो, उस दवाइयों से बैलेंस हो जाती है आपकी हेल्थ, राइट? मतलब यू नो दवाइयां जब तक लेते हो तो बैलेंस हो। सेम थिंग इज विद अ वास्तु, बिकॉज देर आर रेमेडीज, जो रेमेडीज घर में यूज करने से यू नो पॉजिटिव एनर्जी आप क्रिएट कर सकते हो एंड लाइफ कैन बी वेरी हैप्पी टू लिव। बिल्कुल, कई बार ऐसा हो जाता है कि डायबिटीज भी अगर हो 24 घंटे में एक उस डिप्रेशन में रहना शुरू कर देते हैं, मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन ये वो हमें मेडिसिन फायदा नहीं कर रही, यही क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में बैठे हैं, इवन की मेडिसिन भी अगर लेते हैं, आई ऑलवेज रिकमेंड दैट सिट इन नॉर्थ डायरेक्शन, यू हैव टू फेस टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट व्हाइल टेकिंग मेडिसिन, एंड व्हाइल टेकिंग मेडिसिन नेवर यूज दिस फिंगर, never use this finger, try to take your medicine this way facing towards northeast, because reason is this, northeast is related with Jupiter, and Jupiter aapko kya hai, bhagwan hai, aapko blessings de raha hai. jahan pe bahut zyada chronic disease kisi ghar mein hoti hai, koi problem hai, illness hai, I always recommend let them sleep in northeast direction to get more positive energy, to get more blessings over there. लेकिन हर डायरेक्शन का एक अपना फायदा है, एक अपना तजुर्बा है। याद रखिए, बहुत सिंपल है, इंसान मकान बनाता है और मकान है जो इंसान को बनाता है। ए मैन मेक्स अ हाउस, बट आई ऑलवेज से ए हाउस मेक्स अ मैन। वही घर जिस घर में हम रहते हैं उसी की एनर्जी ही हमारे को बनाती है, वही हमारे को हेल्दी बनाती है, वही वेल्दी बनाती है। अगर आपका जीवन है, आपकी बॉडी है, आपका शरीर है, अगर डॉक्टर आपकी बॉडी को ठीक करता है दवाइयों से, राइट, तो आपके जीवन की परेशानियां वास्तु से भी दूर हो सकती है। एक एनालॉजी तो यही होती है ना, एक कंपैरिजन तो बिल्कुल यही होती है कि कुछ बीमार हो जाए तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई लेके आते हो, लेकिन घर में कभी बैठ के ये सोचो कि यार मेरा बेडरूम, मेरा लिविंग रूम, मेरा किचन, बाकी की चीजें सही ही जगह पे है कि नहीं है, जस्ट गिव इट अ थॉट एंड देन फॉलो द रेमेडीज एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। अच्छा दीदी, अब मुझे बिल्कुल आपको डिफरेंस मिलेगा, बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए, इससे रिलेटेड मैं करियर की बात को जोड़ना चाहता हूँ, और अभी जैसे हमारे शो का समाप्त होने का वक्त होता जा रहा है, तो कोई टिप ऐसी बताइए करियर को लेके, बिकॉज हो सकता है कि कुछ लोग करियर के बारे में सोच रहे होंगे, इंटरव्यूज के लिए जाने वाले होंगे, जा रहे होंगे, so what is the main thing they should keep in mind when they are thinking about starting a new career? बिल्कुल, of course संजीव की, जैसे कि अगर देखते हैं कि आप इंटरव्यूज पे जा रहे हैं और कहीं पे आपको एक नर्वसनेस फील कर रहे हैं या आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो मैं उसके लिए, खासकर उनके लिए मैं बताना चाहूंगी, इंटरव्यू से पहले जहां पे भी आपके घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो, क्योंकि वो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा, वो आपके एक नर्वसनेस को दूर करने की हेल्प करेगा। आपको साउथ ईस्ट में एटलीस्ट 2 दिन जरूर वहां पे 2 घंटा 3 घंटा बैठने की कोशिश कीजिए। व्हाइल गोइंग फॉर इंटरव्यू नेवर वियर ब्लैक कलर,
कभी भी ब्लैक कलर आप इंटरव्यू के समय बिल्कुल नहीं पहन के जाइए, इवन शूज भी मत पहने। खास तौर पे इंटरव्यू के लिए गो फॉर सम चेरी कलर और ब्राउन कलर, दैट विल ऑलवेज हेल्प यू। और साथ ही साथ इंटरव्यू करने वालों के लिए स्पेशल मैं एक रेमेडी देना चाहती हूँ, इट्स वेरी पावरफुल एंड रिजल्ट्स आर रिमार्केबल। जिस दिन आपका इंटरव्यू है, आप सबसे पहले एक ग्लास शीशे का पानी का लीजिए, उसमें 2 चम्मच नमक के सॉल्ट के भर के, उसमें जस्ट थिंक अबाउट योर इंटरव्यू कि आप इंटरव्यू पे जाने वाले हैं और बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर कोई भी आपको एक डर, फियर, एक नर्वसनेस फील कर रहे हैं, जस्ट थिंक अबाउट इन दैट वाटर, और उस वाटर को आप टॉयलेट में फ्लश कर दीजिएगा। जो नमक वाला पानी है उसको टॉयलेट में फ्लश कर दीजिए। उसके बाद में फिर एक फ्रेश ग्लास ऑफ वाटर लीजिए, उसमें 8 चम्मच चीनी, 8 स्पून ऑफ शुगर डालकर आप अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में, चाहे भगवान जी के नॉर्थ पास में, नॉर्थ डायरेक्शन में रख के, एंड थिंक पॉजिटिव कि आपको ये जॉब मिल रही है और आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो रहा है। आप जाइए इंटरव्यू करके आइए, आकर करने के बाद में अगर आपको वहीं पे ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो उस पानी को घर के आप अपने नॉर्थ डायरेक्शन में, घर के बाहर के नॉर्थ डायरेक्शन में डाल दीजिए। और अगर आपको लगता है कि इट विल टेक 3-4 डेज, लेट द वाटर बी देयर। 3-4 दिन के बाद जैसे ही आपको पॉजिटिव जवाब आएगा तो आप उस पानी को बाहर डाल सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, लेकिन मीठा पानी कभी भी टॉयलेट में मत डालिएगा। This is what I would like to say. Or for more details, you can give me a call too. Yeah, absolutely. Didi, thank you so very much for that tip. And मैं listeners से यही कहना चाहूंगा कि एक छोटी सी tip अगर ये follow करेंगे तो that makes a difference. So for private consultation या more information, you can contact Reva ji personally at 510-868-3338. And अगर और वास्तु के बारे में जानना है तो I strongly recommend to visit her website, which is worldofdivinevastu.com. That's one word. Visit the website and get all the information about Vastu, find out about Reva ji, find out about her achievements and credentials and her experience, everything which is on the website. And uske baad Reva ji ko ek phone zarur kijiyega, mention Radio Zindagi, just tell her that that you heard her on the Radio Zindagi, and then she will guide you and she will suggest you what's right for you. Skype ke through bhi Reva ji ka contact ho sakta hai, phone pe bhi contact ho sakta hai, Facebook pe bhi contact ho sakta hai. She is accessible on all the platforms. Do give her a call and try to make a difference in your life. It's a year 2020, this is the year रेवा जी, जो मैं कहता हूँ कि हर कोई अगर अपनी जिंदगी में थोड़ा सा भी बदलाव लाना चाहता है, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे वो फैमिली वाइज हो, किसी को भी कोई भी रीजन से, दिस इज द टाइम टू डू इट एंड यू मस्ट डू इट नाउ, एंड वास्तु डेफिनेटली डेफिनेटली कैन हेल्प यू टू ब्रिंग दैट हैप्पीनेस एंड सक्सेस व्हिच यू बीन यू नो वांटिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम इन लाइफ। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ सनी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और हमारे सभी व्यूअर्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन, ये लाइफ बहुत खूबसूरत है, ये जीवन बहुत खूबसूरत है, और इसको संभाल के रखिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इजाजत लेती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट थर्सडे वंस अगेन। थैंक यू सजीव। थैंक यू दीदी, एंड द नेक्स्ट थर्सडे के लिए कोई भी और टॉपिक होगा तो आपको बताएंगे, एंड वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट इन आवर वास्तु टॉक शो। पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है, और रितु और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए। थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु।